भागलपुर सुल्तानगंज के अजय गैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के सातवें दिन बुधवार की सुबह 54 फीट के कांवड़ लेकर मारूफगंज पटना सिटी के शिवधारी कांवड़ संघ के कांवड़िया का जत्था पहुंचा। इस दौरान अजय गैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हुए अपने 54 फीट के विशाल कांवड़ की पूजा पाठ करते हुए ढोल बाजा के साथ नाचते झूमते देवघर बाबा वैद्यनाथ के लिए रवाना हुए। इस दौरान पटना सिटी के कांवड़ संघ के अर्जुन कुमार एवं विनोद कुमार ने बताया कि कई वर्षों से 54 फीट का कांवड़ लेकर बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने जाते हैं, जिससे हमारे देश में सुख शांति रहे, हमारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़े। इसके लिए 800 लोगों के साथ 600 किलो का कांवड़ 54 फीट को बारी बारी लेकर देवघर नाचते झूमते हुए जाते हैं। यह कांवड़िया का जत्था मारूफगंज पटना सिटी से अजगैबीनाथ धाम पहुँचकर नियम निष्ठा एवं पवित्र होकर बाबा वैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए निकल पड़े। इस दौरान शिवधारी कांवड़ संघ के सदस्य विनोद बाबा, शिवम, मुकुल कुमार, कुणाल पासवान, सूरज शर्मा सहित इत्यादि कांवड़िया मौजूद थे। भागलपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। क्या महत्व है आप लोग जो जा रहे हैं? महत्व है, मेरे बाबा जी हैं। हाँ हाँ, वही लेके आते हैं हर साल। क्या मनोकामनाएं हैं जो इस तरह का कांवड़ लेके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने जाते हैं? सुखी संसार रहे, इसी कारण लेके आता। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार साहब। इससे पूछिए, पटना सिटी से कितने सालों से आते हैं? 2008 से आ रहे हैं। तो कितने फीट का कांवड़ है? 54 फीट का कांवड़ है। आप लोग कितने का जत्था है? मोटा मोटी 400 कलर का नाम है आपका? 400 मेंबर है। 400 मेंबर है जी। तो कितने लोगों का जत्था है? 400 का लमसम। और ये वजन कितना कांवड़ का? वजन मोटा मोटी 2.5 क्विंटल।